अनूपपुर जिले में इस बार गोबर से बने गजानन की पूजा होगी। जिले के जैतहरी जनपद अंतर्गत ग्राम अजनी में गोबर की गणेश प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इन इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की डिमांड भी इस बार कुछ ज्यादा है। अंजनी गांव प्रज्ञा मंडल और स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर, तुलसी, गंगाजल और पवित्र वस्तुओं को मिलाकर गणेश प्रतिमाएं बना रही हैं। जैतहरी तहसील के गांव अंजनी में प्रज्ञा मंडल गौशाला संस्था की पहल पर यहां की गंगा आजीविका स्व सहायता समूह ने इस साल गोबर की मूर्तियां बनाई हैं। गोबर से बनी इन मूर्तियों की मार्केट में डिमांड बढ़ गई है। प्रज्ञा मंडल के संचालक भारत राठौड़ ने बताया कि संस्था गायत्री परिवार से जुड़ा है और गौशाला का संचालन करता है। गणपति पूजन को देखते हुए गोबर से विभिन्न डिजाइन में मूर्तियां तैयार की गई हैं। मूर्तियों के निर्माण में गोबर, तुलसी, गंगाजल, मौली धागा और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये दिखने में भी सुंदर लगें। मूर्ति निर्माण के दौरान गायत्री मंत्र से इन्हें अभिव्यक्त भी किया गया है। गोबर, गौमूत्र, इनसे हम कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी हमने जो भी सामग्रियां तैयार किए हैं इनके मांग बड़े बड़े शहरों से, कई जगह से, अभी हमने कुछ सामग्री नागपुर भेजा है, उसके बाद मुंबई से, भोपाल से हमारे पास आर्डर आए हुए हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं और भारी मात्रा में उनको वहाँ पर भेजने का तैयारी है। अभी क्या बनाए हैं प्रेजेंट में? प्रेजेंट में गणपति भगवान के सुंदर मूर्तियाँ तैयार किए गए हैं जो पीओपी और मिट्टी से हट करके उसका जो महत्व है वह बहुत ही सराहनीय है। रिस्पांस कैसे मिल रहा है? इसका अच्छा रिस्पांस है क्योंकि एक नवाचार का प्रयोग है तो लोग जो है इसको अपना रहे हैं और लगातार उसकी मांग हो रही है। स्व सहायता समूह के दो सदस्य श्रीमती इंद्रावती राठौड़ और कुमारी शालिनी ठाकुर ने नागपुर गायत्री परिवार से गोबर से बनी वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अब ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर मूर्तियों का निर्माण कर रही हैं। ये संस्था का पहला साल और पहला प्रयास है। करीब 400 मूर्तियां बनाई गई हैं। गोबर से बनी मूर्तियों की बात करें तो बाजार में उपलब्ध अन्य मूर्तियों की तुलना में इनके दाम भी कम हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि इससे उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। वो 4 से 5 हजार महीने कमा रही हैं। पीओपी मूर्तियों के बंद होने के बाद इको फ्रेंडली मूर्तियां बाजार की रौनक बन गई हैं। इससे मूर्ति बनाने वाले मजदूरों को रोजगार मिल रहा है और वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम लोग गौशाला में हम लोग गोबर के उत्पाद बना रहे हैं। मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा है और पार्ट टाइम मैंने जॉब भी किया कर रही हूँ। इसमें मेरा इनकम भी हो रहा है 4000 मंथली का और इसमें से मेरा खर्चा भी चल रहा है, कहीं ना कहीं मेरा घर का भी खर्चा इसमें से चल रहा है। प्रबंधन की तैयारी में थे, राखी का काम किए तो राखी तैयार करें, उसके बाद हम लोग अभी गणेश जी का मूर्ति तैयार किए हैं। कुछ मूर्तियां तो हम लोग का निकल गया है और कुछ बचे भी हैं, वो भी उनकी भी तैयारी है, पहुंचाएंगे जहां तक मांग है वहां तक। और अभी तो दीपावली की तैयारी कर रहे हैं जहां हम लोग दिया, डिजाइनर दिया और सिंपल दिया भी तैयार है और मांग बहुत ज़्यादा है तो वहां कम से कम हम 3-4 लाख दिए मांग कर रहे हैं हम लोग। तो हम बड़ी जोरों से मतलब लगे हैं कि कितनी जल्दी तैयारी हो जाए। और अनूपपुर सहित शहडोल जिले में ये मूर्तियां बाजार में उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों में भी गोबर से बनी मूर्तियां भेजी गई हैं। बाहर के राज्यों में भी इन मूर्तियों और गोबर से बनी अन्य चीजों की मांग है। अनूपपुर से विनय शुक्ला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।